हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। कल मैं बैठ के बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर रही थी एंड बहुत सारे मेंबर्स का मैं वेट लॉस काउंट कर रही थी, तब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले मेरे बैच के जिनका 40 kg डाउन है, 50 kg डाउन है, 30 kg डाउन है। हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगातार कुछ लोग डाइट्स पे हैं। तब मैंने उनका फूड मेन्यू पूरा का पूरा, जिस हिसाब से हम सेट करते हैं, जिस हिसाब से हम उनको डाइट का चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, देन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर रखती हूँ कि सामने वाली जो पर्सन है उनको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो डाइट पे है, या फिर उनका फूड का मेन्यू उस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनको फूड की क्रेविंग्स ना हो, उनका टमी सेटिस्फाई हो, उनकी जो क्रेविंग लेवल है या फिर उनका जो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा सा मिल जाए वाली चीज़, या फिर यार ये क्या उबला हुआ खाना है, वो चीज़ें ना देखें। उनके फूड के जो क्रेविंग्स हैं, उनका जो मन है, उस हिसाब से अगर आप उनको कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके देते रहोगे तो उनका जो वेट लॉस का जर्नी है वो कंसिस्टेंसी से चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा एंड बंदा अपने टारगेट पर आएगा। अब यहाँ पर बात आती है आप लोगों की। नाउ आप लोगों के साथ क्या सीन होता है कि अगर हम आपको सेम टाइप का फूड देते रहे और सेम टाइप की चीज़ें मैं चलाते रहे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे एंड आपको फीलिंग आएगी कि यार हम डाइट पे हैं। जब भी कोई पर्सन डाइट पे आता है, अगर उसको ये फीलिंग है कि यार ये हमारा डाइट का फूड है, विच मीन्स माइंडसेट पहले चलता है कि उबला हुआ खाना, मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना और क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है, बट जब आपका डाइट ही क्रेविंग्स ख़त्म कर रहा है तब आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो लंबी चलती चली जाती है और उसमें आप ब्रेक नहीं लगाते और बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। जब आप फूड का मेन्यू देखते हैं जो आपके पास आता है या फिर जो भी आपका फूड का मेन्यू हम लोग आपको यहाँ पे बताते हैं, अगर आप उस फूड का मेन्यू लिखेंगे तब आपको समझ आएगा यार इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे डेली बेसिस की रूटीन पे चाहिए अपने टमी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर वो सारी चीज़ें आपको मिल ही रही हैं तो आपका वेट लॉस का जर्नी बड़ा लंबा चलेगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा एंड आप अपने टारगेट पे टच करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में 2 ऐसी रेसिपीज़ की जो कि आपके टमी को सेटिस्फाई करेंगी। एक मीठी रेसिपी है मीठे के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ जाते हैं कि खीर खा लें, कुछ मीठा खा लें, शीरा दे दो या फिर कुछ भी मीठा दे दो, तो मुझे लगता है आप लोगों की भी क्रेविंग ज़्यादा ही होंगी और फूड ऐसा है जो कि बहुत लोकली मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे मैंने दूसरी रेसिपी में यूज़ किया जुकीनी, बट अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा देन वी कैन ईजिली ऐड घिया या पेठा जो हमारे को लोकली मिल जाता है एंड बहुत चीप भी मिलता है। ये जो 2 रेसिपीज़ हैं ये हम लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे टारगेट इतना रहता है कि इतनी इस टाइप के फूड की रेसिपीज़ और इस टाइप का फूड हम यहाँ पे लेकर आएँ जो कि आपके वेट लॉस की जर्नी में आपको हेल्प करें, आपकी वेट लॉस की जर्नी ब्रेक ना होने दें, आपके टंग जो कहते हैं ना हमारे क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करें एंड हम बिल्कुल भी ना ऐसी क्रेविंग ना करें कि हम डाइट पे हैं, ये आपके लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होता चला जाए। ये जो रेसिपीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये हम लंच और डिनर दोनों में ले सकते हैं एंड ये बहुत ही फिलिंग है, बहुत ही यमी है एंड ट्रस्ट मी आपके टमी को सेटिस्फाई कर देंगे एंड आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट पे हो एंड उसके अलावा आपका वेट लॉस जो देगी वो अमेजिंग। सो ये रेसिपीज़ कैसे बनाने हैं चलते हैं किचन में। वर्मेसिली कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से धागे हमारे केसर के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे मिल्क, मिल्क थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। ओके, अब इसको हम पड़े रहने देंगे इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक केसर अपना रंग छोड़ देगा इसमें, इसको हम कर देते हैं साइड। अब हम बात करते हैं वर्मेसिली की। सो ये रही हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे है मार्केट की बनी हुई वर्मेसिली जो कि ये मिलते हैं यहाँ पर, बट आप ना घर की होममेड बनी हुई वर्मेसिली भी ले सकते हैं। ये हमारे बड़े लोग, नानी दादी, हर कोई बनाते हैं। सो आई गेस ये भी मुझे बना के ही दी गई है मेरे एल्डर से। नेक्स्ट यहाँ पे जो भुना हुआ मखाना है मैंने उसे पीस रखा है, मुट्ठी भर मखाना भुना हुआ पीसा हुआ है मेरे पास, ये मैं पीस के रखती हूँ, इससे काफ़ी सारी अच्छी रेसिपीज बन जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ पड़ा है इलायची और सौंफ का पाउडर। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्मेसिली कस्टर्ड बनाना। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मेरी येवली वर्मेसिली, ये होममेड वर्मेसिली है मेरे पास। अगर आपके पास होममेड बनी हुई वर्मेसिली नहीं है तो ना मार्केट वाली यूज़ कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ पे मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, आप डेयरी फ्री मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास मिल्क लिया है। ओके, जब तक हमारा दूध बॉइल्ड होगा इसके अंदर मैं डालूँगी, ये 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ मैं, 1 चम्मच, दूसरा चम्मच हमारा वर्मेसिली। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा, लाइक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने डाला है सौंफ और इलायची का पाउडर।
अब इसको हम ढक देंगे और कुक होने देंगे सिम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट, बिल्कुल पक चुकी है अच्छे से। इसके अंदर हम डाल रहे हैं केसर वाला मिल्क जो हमने सूप करके रखा था, एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें कि अच्छे से थिक हो जाए, यहाँ पे 2 चम्मच जितने हमारे मखाना, पिसा हुआ हमारा मखाना, भून कर मैंने पीस के इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैंने गैस को कर दिया है बंद, और अब मैं इसमें डालूंगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच जितना जैगरी पाउडर। इसको कर देंगे हम मिक्स बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से हमारे काजू बादाम पिसे हुए, एंड इट्स रेडी। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं जुकिनी एंड दाल सैलेड। ये रही मेरे पास जुकिनी, इसको हम अच्छे से वॉश कर रखा है मैंने। सो इस सैलेड को बनाने के लिए मुझे चाहिए जुकिनी, 1.5 जुकिनी मैंने लिया क्योंकि पहली वाली छोटी थी, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास चॉप किए हुए प्याज है, 3 चम्मच जितनी मैंने येलो मूंगे की दाल जो है वो गर्म पानी में सोख कर रखी है, 15-20 मिनट हो गए हैं, एंड अब हम बनाते हैं सैलेड। ओके, यहाँ पे मैंने लिया ऑयल, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जीरा, ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे सबसे पहले प्याज। ओके, नेक्स्ट ये रही दाल, इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे जुकिनी, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप जितना गर्म पानी, हम इसको कुक होने देंगे, हम इसको कवर करके रखेंगे, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के अंदर ही हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, रेडी, इसके ऊपर हम लेमन डालेंगे और टेस्ट अगर चाहिए आपको। जो वर्मिसली मैंने यूज़ किया आगे से मेरी नानी ने मुझे बना के दी थी, एंड जो आप मार्केट की रेडीमेड वर्मिसली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने जुकिनी यूज़ करी उसका मैंने रिप्लेसमेंट पहले ही बता दिया आपको। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में इस तरीके की रेसिपीज़ लेके आऊँ, इस तरीके का फूड आपको इंट्रोड्यूस करूँ जिसकी हेल्प से आपको ऐसी भावना या फीलिंग कभी भी ना आए कि आप लोग डाइट पे हो। जब भी कोई पर्सन ये फील करता है ना कि यार मैं वेट लॉस डाइट पे हूँ, ये आपके साथ ऐसा है कि आपका माइंडसेट उस तरीके का हो गया कि हमें खाना कम मिल रहा है। बट अगर आपकी ऐसी फीलिंग है कि यार ये मेरी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो मेंटेन करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, मैं आपके सामने वेट मेंटेनेंस में सिंस लाइक 6 ईयर्स मेरा ऑन ऑफ वेट बढ़ता रहता है, एंड दिस इज़ लाइक माई लाइफ स्टाइल, एंड टचवुड बाई गॉड ग्रेस जो मैं पहला हमारा जो फेज़ था 2016-17 का और आपका जो फेज़ है वो टोटली चेंज है। स्किन चेंज, बाल बहुत अच्छे हैं, टचवुड स्किन का कलर बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, एंड मेरे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इसी टाइप की डाइट्स करते करते हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे नहीं हैं। सो इस तरीके का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमें आगे लेके चलने हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।